मध्य प्रदेश के सिवनी में दंगल के दौरान कुश्ती लड़ते हुए एक पहलवान की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सोनू नाम का पहलवान कुश्ती लड़ते हुए अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये घटना कुरई ब्लॉक के बेलपेट गांव की है जहां हर साल दंगल का आयोजन किया जाता है। बताया जा रहा है कि दंगल में हिस्सा लेने के लिए 18 साल का सोनू यादव नाम का पहलवान भी पहुंचा था। सोनू ने अपनी शुरुआती 3 फाइट जीत भी ली थी और चौथी फाइट में 4 पॉइंट लेने के बाद फाइट के दौरान ही नीचे की ओर गिरा और फिर उठा नहीं। इसके बाद लोग पहलवान को जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर अभय सोनी ने बताया कि पहलवान सोनू जब अस्पताल आए तब उनकी मौत हो चुकी थी। उनका पोस्टमार्टम किया गया है। रिपोर्ट की जांच के बाद ही मौत की वजह सामने आ पाएगी। ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो।